नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सिंधिया ने कहा, यह उपचुनाव धर्म और अधर्म की लड़ाई है। मध्य प्रदेश में होने वाले 28 विधानसभा के उपचुनाव में प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। इसी क्रम में सागर जिले की सुरखी विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में आए दिन कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा के बड़े नेताओं की आम सभा हो रही है। सागर की सुरखी विधानसभा की सुरखी नगर में आज भाजपा के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गोविंद राजपूत के समर्थन में एक आम सभा को संबोधित किया। आम सभा को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, कल डबरा में वहां की महिला जनसेवक इमरती देवी, मेरी बहन, जो गांव की धूल खाकर सरपंच बनी, विधायक बनी, उसे कमलनाथ कहते हैं कि यह आइटम है। उपचुनाव का माहौल है, लेकिन मैं स्पष्ट करने आया हूं, यह धर्म अधर्म की लड़ाई है। भारतवर्ष की जनता की निगाह आप पर है। राजनीति कितनी परिवर्तित हो गई। आज राजनीति में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसों को जनता की चिंता नहीं, कुर्सी की चिंता है। अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह कहते हैं कि इमरती को जलेबी बनाना है। जहां पूर्व सीएम नारियों को, अनुसूचित जाति की महिला जो दलित है उसका सम्मान नहीं कर सकते, उन्हें शर्म आना चाहिए। इस देश में नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है। जहां नारी का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। जिस पार्टी की अध्यक्षा महिला हो उस पार्टी के यह नेता महिलाओं के बारे में ऐसी बात करें, उन्होंने माटी को कलंकित किया है। इनसे 3 तारीख का बदला लेना। सिंधिया ने कहा, कमलनाथ दिग्विजय की जोड़ी में कमलनाथ मात्र मुखौटा थे, दिग्विजय पर्दे के पीछे थे। प्रदेश को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया था। मैंने कर्ज माफी का साल भर इंतजार किया, जिसने किसानों से गद्दारी की उसे ज्योतिरादित्य ने धूल चटाई है। सिंधिया परिवार कभी कुर्सी और लाल बत्ती के पीछे नहीं भागता। कमलनाथ उद्योगपति थे तो सब सोचते थे कि उद्योग आएंगे, लेकिन वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया और वहां से ट्रांसफर उद्योग चलने लगा। वो वादा खिलाफी और गद्दारी की सरकार थी। 1967 में मेरी दादी राजमाता ने कांग्रेस सरकार बनाई थी। जब उस सरकार ने जन विरोधी नीति अपनाई तो राजमाता ने उसे धूल चटाई थी। कांग्रेस अभी तक नहीं सीखी। सिंधिया परिवार लोक भावना के साथ रहता है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। हमारे क्षेत्र के कद्देवार नेता तो है ही, लेकिन दिल के जनसेवक आदरणीय गोपाल भार्गव साहेब, हमारे नौजवान ऊर्जावान मेरा साथी, सागर का जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया जी, बालाघाट के हमारे सांसद जिनका एक पुराना संबंध रहा है सिंधिया परिवार के साथ, अभिषेक भार्गव जी, हीरा सिंह जी, सुशील तिवारी जी, लक्ष्मण सिंह जी, हमारे कुशल संचालक श्याम तिवारी जी, महाराज सिंह जी, नर्मदा सिंह जी, गौतम साहेब, ललन सिंह जी, समस्त हमारे मंचासी महानुभाव मेरे पास में खड़ा हुआ, आपका बच्चा, आपका भाई, आपका घर और परिवार का सदस्य गोविंद राजपूत और सुर्खी और आसपास से आई हुई समस्त मेरी जनता जनार्दन नहीं, मेरी आन बान और शान, मेरे परिवार के सदस्यगण जो यहां मौजूद हैं, हमने सपना देखा था कभी गोपाल जी के चिरंजीव ने,
अभिषेक ने बोला वंशी, कि मैं चाहता था कि मैं आपके पास आऊं या आप हमारे पास आए। मैं इसी सुर्खी में आया था आपके समक्ष, हाथ जोड़ के मैंने आपसे निवेदन किया था कि आपके सैनिक गोविंद राजपूत को आप अपना आशीर्वाद प्रदान करो। ये आपका था, आपका है। मैं गारंटी से कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक आपका रहेगा। बहुत पहले जन नेता होते हैं मेरे भाई और बहनों, कई नेता आपको मिल जाएंगे जिनके दिमाग दूध की तरह साफ होते हैं लेकिन दिल बड़े काले होते हैं। बड़े बहुत बिरला नेते आपको मिलेंगे जिनका दिमाग भी दूध की तरह साफ हो और गोविंद राजपूत की तरह दिल भी दूध की तरह साफ हो। मेरे भाई और बहन, सही है कि नहीं? अरे सही है तो तालियों की गड़गड़ाहट। अरे ये सुर्खी की ताली नहीं, मुझे तो सुर्खी की ताली चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट। होता है वही देवता विराजते हैं। जिस राजनीतिक दल, जिसके पूर्व मुख्यमंत्री दो के दो, नेता प्रतिपक्ष नारियों का सम्मान नहीं कर सकते और वो भी मेरी अनुसूचित जाति की महिला, क्या उसका कसूर कि वो दलित है? क्या उसका कसूर कि वो महिला है? शर्म आनी चाहिए दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और अजय सिंह को कि जो दलित महिला उनकी मंत्रिमंडल की सदस्य थी, उस नारी की सरेआम ऐसा बेइज्जती करना। इसका जवाब सुर्खी की जनता 3 तारीख को कांग्रेस को आपको हमें मिलकर देना होगा। मेरे भाई और बहनों, जिस पार्टी की अध्यक्षा महिला परम आदरणीय सोनिया गांधी जी, उस पार्टी का पूर्व मुख्यमंत्री, उस पार्टी का नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष, उस पार्टी का दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री महिलाओं के बारे में ऐसी बात करे। महिला आपकी घर की अस्मिता है, महिला मेरे घर की अस्मिता है, महिला इस माटी की अस्मिता है। जो इन तीनों लोगों ने हमारी देवी देवताओं को कलंकित किया है, माटी को कलंकित किया है, बदला लेना 3 तारीख को। मेरे भाई और बहनों, आपके समक्ष में मैं आया हूं। उपचुनाव का माहौल है लेकिन ये स्पष्ट करने आया हूं मैं। अभी गोपाल भार्गव जी ने दशहरा का संदर्भ दिया, दिवाली का संदर्भ दिया। ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, ये भ्रष्टाचार और नेकों के बीच में लड़ाई है। मेरे भाई और बहनों, और ये मत समझना कि ये सुर्खी का उपचुनाव है। 28 विधानसभाओं में मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता की निगाह आप सब पर है। और मध्य प्रदेश क्या, पूरे भारत वर्ष की जनता की निगाह आप पर है। मेरे भाई और राजनीति कितनी परिवर्तित हो गई। एक जमाना होता था जहां लोग मूल्य के लिए, सिद्धांत के लिए, लक्ष्य के लिए
अपना जीवन निछावर करते थे। आज राजनीति में लक्ष्य किन्हीं तत्वों का हो गया है, कमलनाथ जैसे तत्वों का, दिग्विजय सिंह जी जैसे तत्वों का। उनको जनता की चिंता नहीं, गरीबों की उत्थान की चिंता नहीं, उनको तो एक ही बात की चिंता है, जैसे भी हो कुर्सी मिल जाए। सही है कि नहीं? अरे सही है तो तालियों की गड़गड़ाहट से। अरे ये सुर्खी की ताली नहीं, मुझे तो सुर्खी की ताली चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट। मैंने तो सोचा था जो गोपाल जी सोच रहे थे, राजेंद्र सिंह जी सोच रहे थे, सुधीर जी सोच रहे थे, राज बहादुर सिंह जी सोच रहे थे, कमलनाथ जी तो बड़े उद्योगपति हैं, निवेश लाएंगे मध्य प्रदेश के, उद्योग तो नहीं आया, निवेश तो नहीं आया, लेकिन मध्य प्रदेश में नया उद्योग शुरू हो गया, ट्रांसफर का उद्योग शुरू कर दिया। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? और वो भी खुदा ना करे अगर कोई बीमार हो जाए, ट्रांसफर की आवेदन देने के लिए वल्लभ भवन पहुंचे तो इधर से 10 लाख की बोली, इधर से 20 लाख की बोली, उधर से 50 लाख की बोली। भ्रष्टाचार का केंद्र मेरा वल्लभ भवन बना दिया कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने। और वहां भी एक चोरी थी, एक छोटे भाई, बड़े भाई, सही है कि नहीं? अरे जमकर, और क्या जोड़ी। मैंने तो राजनीति अब प्रत्यक्ष रूप से 20 साल से देखी है। गोपाल जी बैठे हैं, इनको तो हो गया 40-50 साल। क्या जोड़ी, चुनाव आए तो बड़े भाई पर्दे के पीछे, चुनाव संपन्न तो मुखौटा कमलनाथ और बड़े भाई पीछे से। सही है कि नहीं? मानसिक सोच विचारधारा देखो। कल हमारे डबरा में गए थे, वहां की महिला जनसेवक इमरती देवी, गांव की मेरी बहन, मेरी महिलाएं बैठी हुई है यहां, जहां गांव में धूल खाते खाते पग 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 पर चलकर सरपंच बनी, जिला पंचायत की सदस्य बनी, विधायक बनी, उस मात्र शक्ति के बारे में, उस नारी शक्ति के बारे में मंच पर खड़े होकर कमलनाथ कहते हैं ये आइटम है। पूर्ण नेता प्रतिपक्ष अर्जुन सिंह जी के बेटे जो अर्जुन सिंह जी ने इस प्रदेश का कमान संभाला था मुख्यमंत्री के
रूप में उन अर्जुन सिंह जी के बेटे अजय सिंह जी मन से कहते हैं कि इमरती को जलेबी बनाना है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कहते हैं 2 साल पूर्व मंदसौर में मीनाक्षी नटराजन के बारे में कि ये महिला 100% ऐसा शब्द इस्तेमाल किया कि मैं अपने मन से उस शब्द का उल्लेख नहीं कर सकता। इस देश में नारियों को देवी के रूप में पूजा जाता है मेरे भाई और बहनों। देवी लक्ष्मी, देवी काली, देवी दुर्गा, पंडित जी बैठे हुए हैं यहां गोपाल भार्गव जी, हमारे शास्त्रों में लिखा है यत्र नारायस्तु पूजन्ते, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। मैं आपकी सेवा की, मैं कहने वाला था नौजवान, तो धीरे धीरे ना तो ये नौजवान रहा ना मैं नौजवान रहा। तो क्या कहे, चेहरा ऐसा है, उम्र मत पूछ रहा। कमलनाथ जी तो क्या क्या है, अभी मैं आने वाला। मेरी सोच सुर्खी में विकास होगा, ग्वालियर में विकास होगा, रीवा में विकास होगा, खंडवा में विकास होगा, इंदौर में, उज्जैन में, मंदसौर में विकास होगा, अनूपपुर में विकास होगा, डिंडोरी शहडोल में विकास होगा। 15 महीनों की सरकार रही, विकास और प्रगति की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी जैसी नहीं। मेरी प्रतिस्पर्धा थी शिवराज सिंह जी के साथ, भाजपा का ही नारा था। और प्रतिस्पर्धा थी क्यों, क्योंकि दो क्रिकेट के खिलाड़ियों के बीच में होती है, दो ओपनिंग बैट्समैन जाते हैं बदल देगा, सही है कि नहीं। प्रतिस्पर्धा थी क्योंकि हमारे मन में कशिश है विकास के लिए, प्रगति के लिए, जनसेवा के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए। और मेरी सोच विचार जा रहा थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में बने, मुझे कोई कठिनाई नहीं, पूरा समर्थन मैंने दिया, क्योंकि सिंधिया परिवार कभी भी कुर्सी और लाल बत्ती के पीछे कभी ना पड़ा है ना पड़ेगा कभी भी मेरे भाई और बहनों। हमारा एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य है कि प्रदेश की जनता के दिल में अगर छोटा सा भी स्थान हमको मिल जाए तो हमारी जीवन सफल हो जाए मेरे भाई और बहनों। उसे हाथ देख हो गया वो बेचारे उसका निराशा। इन गुंडों बदमाशों को, इन माफियों को ये सेवा लायक नहीं है, ये तो आपकी गली में, मकान में प्रॉपर्टी की नियत रहने वाली। आज कमलेश चारू अपना खुद का मकान निकलवा पा रहे, 10 साल पहले कब्जा किया, 10 साल में हर व्यक्ति जानता है मकान सिंह जी माफी आए, स्वागत करें आदरणीय हरिदास सिंह जी। रामकृष्ण कुशमरिया जी का स्वागत करें, स्वागत करें जी।
आदरणीय नर्मदा सिंह जी, आदरणीय महाराज सिंह जी, आदरणीय अरुण गौतम जी के साथ।